अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में जो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है और कुछ बेसिक अकाउंटिंग से रिलेवेंट बातों को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस चीज़ को कहते हैं और उसके जो सेपरेट बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और बिल्कुल बेसिक सी जो है वो एक हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि अकाउंटिंग में कौन सी टर्म किस चीज़ को कहते हैं। तो जनाब सबसे पहले तो मैं अकाउंटिंग जो इक्वेशन है उसको लिखना चाहूँगा। हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो होती है एसेट्स, जिस टर्म को मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा अभी, लेकिन हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी। इक्विटी को हम कैपिटल भी कहते हैं, इक्विटी को हम कैपिटल भी कहते हैं, प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। अच्छा, अकाउंटिंग में जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो आप एसेट्स को एक आम बंदे की ज़बान में ये कह सकते हो कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक बिजनेस ओन करता है। मिसाल के तौर पर आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जाहिर सी बात है आपको कोई फिजिकल लोकेशन चाहिए होगी। मिसाल के तौर पर आपने सोचा कि मैं एक फैक्ट्री जो है ना वो स्टार्ट करता हूँ, किसी चीज़ की फैक्ट्री लगाता हूँ, और बिजनेस क्या होगा मेरा, उस फैक्ट्री में कोई चीज़ बनाकर और बेचा करूँगा। तो अब आप वो फैक्ट्री परचेज करोगे, ठीक है, मैं बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आप जाओगे और आप एक फैक्ट्री को परचेज करोगे, खरीदोगे। फैक्ट्री क्यों खरीदी, बिजनेस के लिए। क्या है एसेट, एसेट क्या है, कोई भी वो चीज़ जो मेरे बिजनेस में मुझे साथ देगी, एक सिंपल वर्ड्स में मेरा सहारा होगी, मेरा साथ देगी, मैं उससे काम लूंगा, मैं उसके जरिए अपना बिजनेस कंडक्ट करूंगा, बिजनेस की बिलोंगिंग होगी। तो फैक्ट्री क्या है, एक एसेट है। इसी तरह से लेट्स से कि मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए कुछ कार्स परचेस करी, ये कार्स भी क्या है, एसेट है। क्यों एसेट है, बिजनेस में इस्तेमाल करूंगा, बिजनेस के पर्पस के लिए खरीदी है, बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होगा उसमें काम आएंगी। इसी तरह से मैंने अपनी फैक्ट्री में बिजनेस में मशीन्स लगाई, जाहिर सी बात है मशीन्स लगानी पड़ेंगी, मशीन्स क्या है, एसेट है, मशीन्स इस्तेमाल करूंगा मैं जो भी प्रोडक्शन करनी होगी उसके लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसी तरह से कुछ बिजनेस में कैश पड़ा हुआ क्या है, ये भी बिजनेस का एसेट है। अभी मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ इन टर्म्स को। और एसेट क्या है भाई, एसेट कोई भी ऐसी चीज जो मैं अपने बिजनेस में यूज करूंगा और उससे मुझे बेनिफिट होगा, उसका इस्तेमाल करूंगा मैं अपने बिजनेस में, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, ये सारी चीजें कहलाएंगी एसेट। अब फॉर सिंप्लिसिटी हम ये कह लेते कि भाई आपने फैक्ट्री परचेज करी $5,000 या ₹5,000, कार्स परचेज करी $ या ₹ लेट से ₹3,000, मशीन्स परचेज करी $2,000, और आपने बिजनेस में अपने कैश रखा हुआ है $1,000। तो आपके एसेट्स की टोटल वैल्यू क्या हुई, आपके एसेट्स की टोटल वैल्यू क्या हुई, बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं उनकी टोटल वैल्यू है $5,000 plus $3,000 plus $2,000 plus $1,000 which is $11,000 जो है ना वो बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स की वैल्यू है। 5,000 की फैक्ट्री, 3,000 की कार, 2,000 की मशीन, ₹1,000 कैश, $11,000 टोटल बनते हैं। और ये $11,000 की वैल्यू है, किस चीज की वैल्यू है, बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू है। ठीक है, अब भाई ये तो समझ में आ गया कि एसेट्स क्या है, एक अंदाजा हो गया। एसेट्स हर वो चीज़ जो बिजनेस में इस्तेमाल होगी, हर वो चीज़ जो बिजनेस की बिलोंगिंग है, हर वो चीज़ जिससे बिजनेस में मैं फायदा लेकर कुछ काम करूंगा वो एसेट है।
अब जब मैं एसेट बिजनेस में लेकर आऊंगा तो उसके लिए फंड्स चाहिए, पैसे चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई फैक्ट्री परचेज करनी है, इस एग्जांपल के हिसाब से $5,000 की फैक्ट्री है, मैं खरीदने जाऊंगा, क्या चाहिए? पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल $3,000 की कार्स परचेज करनी है, मैं खरीदने जाऊंगा, क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यानी कि इसकी फंडिंग, इसकी फाइनेंसिंग, इसके पैसे कहां से आएंगे? तो भाई आप कभी भी कोई भी चीज अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी परचेज करते हो या बिजनेस के लिए परचेज करते हो तो उसकी फंडिंग या उसके पैसे दो अलग अलग सोर्सेस से आपके पास आ सकते हैं। कैसी दो सोर्सेस सर? फॉर एग्जाम्पल लेट से एक सीधी सीधी सी एग्जाम्पल ले लो, लेट से तुमने अपने घर के लिए एक गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी जो है ना वो लेट से $2,000 की, ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक वैल्यू लिख रहा हूं, $2,000 की एक गाड़ी है। अब गाड़ी $2,000 की जब खरीदोगे तो $2,000 आपको पे करने पड़ेंगे, $2,000 की आपको जरूरत है। एक तो ये काम हो सकता है कि यार मेरे पास घर पर जमा हुए हुए पैसे हो, मैं उससे गाड़ी परचेज कर लूं, यानी कि मैं अपने पैसे इस्तेमाल कर कर अपने पैसे इस्तेमाल कर कर अपनी सेविंग्स, अपने बचे हुए पैसे, अपने घर पर जमा किए हुए पैसे, अपने बैंक अकाउंट के पैसे इस्तेमाल कर कर और गाड़ी को परचेज कर लूं, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका नॉर्मल लाइफ में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि यार बैंक के पास जाओ, बैंक से लोन ले लो, बैंक को बोलो भाई मुझे ये $2,000 वाली गाड़ी चाहिए, आप मुझे लोन दे दो। यानी कि जब मैं लोन वाली बात करता हूं तो क्या ये मेरे पास पैसा है? नहीं है मेरे पास पैसा। मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक को बोला यार मुझे उधार दे दो, मुझे एक $2,000 की जो है ना गाड़ी परचेज करनी है, $2,000 की गाड़ी जो है ना वो खरीदनी है, $2,000 की गाड़ी मैं खरीदूंगा, मैं आपको पैसे कुछ टाइम बाद पे कर दूंगा, आज नहीं पे कर सकता, आज तो मेरे पास भी नहीं है, तभी तो मैं आपके पास लोन लेने आया हूं। तो अगर तो आपके पास खुद पैसे जमा हुए हुए थे और आपने उसको इस्तेमाल किया, ये एक तरीका है गाड़ी खरीदने का। और दूसरा तरीका क्या है? आपके पास पैसे नहीं थे, आप बैंक गए, बैंक को बोला यार मुझे उधार दे दो और मुझे जो है ना ये $2,000 वाली गाड़ी लेनी है, इसके लिए जो है ना आप थोड़ा सा अमाउंट मुझे जो है ना वो दे दो, $2,000 दे दो और मैं आपको कुछ टाइम बाद, एक साल बाद, दो साल बाद, चार साल बाद या कुछ किस्तों में आपको वापस कर दूंगा, जैसे भी डिसाइड हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके लिए या तो मैं खुद पैसे लेकर आ सकता हूं या तो मैं किसी से उधार ले सकता हूं, लोन ले सकता हूं, फंडिंग ले सकता हूं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल लेट से $2,000 की गाड़ी थी आपने अपने घर के लिए परचेज करनी थी, आपके पास $1,500 पड़े हुए थे, बाकी आपने $500 क्या किया, उधार ले लिया बैंक से और गाड़ी खरीद ली और बैंक को बोला यार मैं आपको जो है ना एक साल बाद आपके $500 वापस कर दूंगा, मुझे जो है ना, आप बैंक के पास गए, आप बैंक को बोला गया मुझे $2,000 की गाड़ी खरीदनी अपने घर के लिए, मेरे पास $1,500 है, तो मैं आपसे $500 लोन लेना चाहता हूं, उधार लेना चाहता हूं, मैं आपको कुछ टाइम बाद वो पैसे लौटा दूंगा और जब मैं लौटाऊंगा तब आप उस पर अगर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो करना, और मैं एक साल बाद लौटाऊंगा या दो साल बाद लौटाऊंगा या तीन साल बाद लौटाऊंगा, जो भी हमने डिसाइड किया बैंक के साथ। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज हम खरीदें उसकी कुछ पेमेंट हम अपने पैसों से कर दें और कुछ पेमेंट हम बैंक को बोलें कि आप कर दो, हम आपको बाद में पैसे दे देंगे। तो इसी तरह से जब आप कोई बिजनेस कंडक्ट करते हो, उस बिजनेस के एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इस बिजनेस के टोटल एसेट्स हैं $11,000 के। अब ऐसा जरूरी नहीं है तुम बिजनेस करने जाओ, तुम्हें एक फैक्ट्री लगानी और सारे पैसे तुम्हारे पास जमा हुए हुए तुम्हारे बैंक अकाउंट में तुम्हारे घर पर पड़े हुए हो जो तुम लेकर जाओ और उस फैक्ट्री को परचेज करो। मिक्स होता है जनरली, मिक्स का मतलब यह है कि कुछ पैसे आपके पास होते हैं और कुछ पैसे आप उधार पे लेते हो, जो फिर बिजनेस जब चलता है, ग्रो होता है, जब बिजनेस आपका काम करने लगता है, जब आपका बिजनेस आगे बढ़ता है, जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स होना शुरू हो जाते हैं, जब आपका बिजनेस कमाना शुरू हो जाता है तो आप वापस कर देते हो। तो लेट से ये जो भी बंदा था, लेट से इसका नाम था मिस्टर ए, मिस्टर ए ने ये बिजनेस करने का सोचा, मिस्टर ए ने बिजनेस करने का सोचा, तो टोटल डॉलर 11,000 रुपीज के एसेट्स की इसको जरूरत थी। इसने एक हिसाब लगाया कि मैं बिजनेस करूंगा तो एक फैक्ट्री लूंगा, कुछ गाड़ियां लूंगा, कुछ मशीन्स लूंगा, कुछ मेरे पास कैश होना चाहिए रोज डेली एक्सपेंसेस पे करने के लिए, $11,000 के एसेट्स होंगे मेरे बिजनेस में। फिर इसने ये देखा कि यार इसके पास कितने पैसे पड़े हैं, इसको पता चला कि मेरे पास तो सिर्फ $8,000 पड़े हुए हैं मेरे बैंक अकाउंट में। तो इसने बोला कोई मसला नहीं है, $8,000 जो है ना वो मैं अपने घर से ले आता हूं बिजनेस में,
मतलब मैंने अपने घर का जो बैंक अकाउंट है उससे पैसे निकाले और फैक्ट्री और गाड़ी और जो भी खरीदना था खरीद दिया। लेट से हम कह सकते हैं कि इसने अपने पैसों से जो है ना वो 5 और 3 हज़ार यानी कि ये 8 हज़ार पूरे पे कर दिए, ठीक है, और बाकी जितने भी पैसे बिजनेस में चाहिए थे उसका इसने किसी से लोन ले लिया। अब अगर 11,000 रुपीस की, $11,000 की टोटल चीज़ें खरीदी हैं और $8,000 ये खुद अपने घर से लेकर आया है तो इसने लोन कितने का लिया होगा? सर 3,000 का लिया होगा, बिकॉज अगर टोटल 11,000 है और 8,000 इसके अपने हैं तो $3,000 क्या होंगे? लाइबिलिटीज होंगी। $3,000 क्या होगा? लोन होगा। तो अब जरा गौर से सुनना, एसेट्स क्या हैं? एसेट्स वो चीजें हैं जो बिजनेस में हम यूज करेंगे। इक्विटी क्या है? इक्विटी वो पैसे होते हैं जो बिजनेस में ओनर खुद लेकर आता है, अपने जेब से, अपने घर से लेकर आता है। इक्विटी क्या है? इक्विटी वो पैसे हैं जो ओनर अपने घर से, अपनी जेब से खुद लेकर आता है। इस बंदे के पास बिजनेस के लिए $11,000 की जरूरत थी लेकिन $8,000 इसके पास पड़े हुए थे, वो $8,000 ये अपने घर से खुद लेकर आया, ये इक्विटी है। इक्विटी का दूसरा नाम कैपिटल भी यूज होता है। लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज वो पैसे हैं जो मैं किसी आउटसाइडर से लेकर आया हूं, उधार लिया है, लोन लिया है। कोई बंदा भी लोन दे सकता है, कोई बैंक भी लोन दे सकता है, ठीक है। और हमेशा हमेशा ये याद रखो कि अकाउंटिंग में एसेट्स की वैल्यू इक्वल होगी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी भी कह सकते हो, और एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी कह सकते हो, ठीक है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो एसेट्स जो होंगे बिजनेस के, जितने भी एसेट्स होंगे उसका पैसा या तो आप खुद लेकर आए होंगे विच मीन्स के कैपिटल होगा, या आपने किसी से लोन लिया होगा विच मीन्स के वो लायबिलिटी होगी, विच मीन्स के एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहां तक की बातें एब्जॉर्ब कर लो, दोबारा से लेक्चर देखना चाहो तो देखकर और वापस से पक्का कर लो, सारी चीजें समझ लो और फिर आगे बढ़ना। सारी चीजें रजिस्टर में प्रॉपरली कॉपी भी कर लो, ठीक है। हमने ये सीख लिया कि एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ और वर्किंग्स करते हैं, ठीक है, अच्छा लेट्स से यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर आसिम स्टार्टेड बिजनेस। एक बंदा था, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर आसिम स्टार्टेड बिजनेस, ही ब्रॉट डॉलर फाइव हंड्रेड कैश फ्रॉम हिज होम, ठीक है ना। मिस्टर आसिम एक बंदा है और उसने बिजनेस स्टार्ट किया, और वो बिजनेस स्टार्ट कैसे कर रहा है? वो उसने बोला यार ये मेरा बिजनेस है, और उसने अपने घर के 500 रुपए एक गल्ले में रख दिए, एक वॉलेट में रख दिए, एक बॉक्स में रख दिए। उस बॉक्स का नाम उसने बिजनेस रख दिया। अभी उस बिजनेस की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, उसने एक आइडिया लगाया कि यार मैं इस चीज का बिजनेस करूंगा। उसने बोला उस बिजनेस में थोड़ा कैश भी चाहिए होगा चिल्लर खर्चों के लिए, 500 रुपए अपने वॉलेट से निकाले, या 500 रुपए अपने घर की अलमारी में से निकाले, या 500 रुपए अपने बैंक अकाउंट में से निकाले और एक डब्बे में रख दिए। बोला ये डब्बा जो है ना इसका नाम है मेरा बिजनेस, और उसमें 500 डाल दिए, ठीक है। तो अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करूं सिंपली, विच इज एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो इस ट्रांजेक्शन के बाद मैं ये कह सकता हूं कि बिजनेस में जो बिजनेस है, जो मेरा बॉक्स है, एक डब्बा है, उसमें $500 के एसेट्स हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैश। और ये कैश कौन लाया है? क्या मैंने किसी से उधार लिया, या मैं खुद अपने घर से लेकर आया, अपने वॉलेट में से लेकर आया, अपने बैंक अकाउंट से लेकर आया? अपने बैंक अकाउंट से लेकर आया। यानी कि ये $500
कैपिटल भी है, ये $500 कैपिटल भी है, ठीक है, ये $500 कैपिटल भी है। क्या बिजनेस की कोई लायबिलिटी है, कोई उधार है बिजनेस में अभी फिलहाल इस पॉइंट के बाद? नहीं। तो क्योंकि एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो हमारा ये इक्वेशन बन रहा है 500 इज इक्वल्स टू 500, बिकॉज अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, 500 प्लस 0 को ऐड करते हो, तो आंसर 500 बनता है। राइट साइड पर भी 500 आ रहा है और जो लेफ्ट साइड है उस पर भी 500 आ रहा है, ठीक है ना। सो ये लिखा हुआ है, मिस्टर आसिम स्टार्टेड बिजनेस, ही ब्रॉट $500 कैश फ्रॉम हिज बिजनेस। मिस्टर आसिम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, $500 अपने घर से बिजनेस में लेकर आया, एक डब्बा जिसको उसने बिजनेस का नाम दे दिया और उसमें उसने डाल दिए। फिक्र नहीं करना, थोड़ी देर बाद चीजें कन्फ्यूजन क्लियर होंगी, और आप लोग कभी भी मुझसे जो है वो मेरे व्हाट्सएप पर क्वेरी भी पूछ सकते हो ताकि मैं उसको आंसर करूं। बहरहाल इस बिजनेस को मजीद आगे बढ़ाते हैं। दूसरा काम मिस्टर आसिम ने क्या किया, दूसरा काम मिस्टर आसिम ने क्या किया, मिस्टर आसिम ने जो भी आइडिया लगाया था उसके हिसाब से इसको जो है ना वो एक शॉप की जरूरत थी, एक दुकान की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर कोई रिटेल बिजनेस खोलना चाह रहा है, ठीक है ना, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है दुकान को परचेज करने के। तो एक और जुमला लिखता हूं, मिस्टर आसिम बॉट अ शॉप फॉर $1,500। मिस्टर आसिम बॉट अ शॉप फॉर $1,500 ऑन लोन बेसिस, ऑन लोन बेसिस। इसका क्या मतलब है सर? मिस्टर आसिम गया, मिस्टर आसिम ने बोला यार मैं दुकान खोलूंगा, अब दुकान मतलब चाहिए, शॉप चाहिए उसको। अब शॉप जो है वो बाजार में $1,500 की मिल रही है, जाहिर सी बात है आप ऐसे ही जाकर कहीं कोई शॉप ओपन करने के इंटेंशन रखोगे, जाकर मालूम करोगे कि भाई शॉप की वैल्यू कितनी है, उसको परचेज करने के लिए पैसे चाहिए होंगे। तो मिस्टर आसिम ने ये पता करवाया कि यार शॉप कितने की, और इसको पता चला भाई $1,500 की जो है ना एक शॉप अवेलेबल है। इसे बोला यार ये शॉप खरीदनी है मुझे, इस शॉप में मैं अपना बिजनेस करूंगा, इस शॉप में मैं अपना कारोबार करूंगा। अब कारोबार तो ये करेगा, लेकिन इसके पास $1,500 नहीं है, तो ये गया एक बैंक के पास, उस बैंक को बोला यार मेरा नाम मिस्टर आसिम है, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, मैं यहाँ रहता हूँ, और मैं जो है ना वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं ये वाली शॉप खरीदना चाह रहा हूँ, शॉप का एड्रेस ये है, आप मुझे $1,500 का उधार दे दो, मैं आपको 4 साल बाद वापस दे दूंगा। बैंक ने बोला चलो सही है, आप हमसे उधार ले जाओ और आप ये उधार जो है वो 4 साल बाद वापस दे देना, कोई मसला नहीं है, आज 2020 है, 2024 में आप मुझे ये पैसे वापस कर देना। उसने या मिस्टर आसिम ने बोला एग्रीड, डन, मैं ऐसा ही करूंगा, और उसने उस दुकान वाले से बैंक से लोन ले लिया। अब जब उसने बैंक से लोन ले लिया, तो अगर वापस से हम अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ चलें, विच इज एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो अब इसके पास दो एसेट्स हो गए, एक तो इसके पास कैश है ही, पहले ही मौजूद है, है ना, वो जो पैसे वो घर से लेकर आया था वो एसेट है एक। दूसरा एसेट क्या है, दूसरा इसकी बिजनेस की बिलोंगिंग क्या है, या इसके बिजनेस में क्या चीज है, $1,500 की शॉप, ठीक है ना। तो इसके बिजनेस में अब दो चीजें हैं, इसके बिजनेस में कैश है $500, कैश है $500 जो ये अपने घर से लेकर आया था, और इसके बिजनेस में शॉप है $1,500। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिससे ये बिजनेस चलाएगा, बिजनेस में काम करेगा, बिजनेस इसका चलेगा, बिजनेस इसका शॉप पर होगा, और गले में से $500 भी डालें ताकि जो छोटे मोटे खर्चे हो ना उसके लिए ये पे ऑफ कर सके। इज इक्वल्स टू एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है ना। अब देखो एसेट्स दो हैं हमारे पास, कैपिटल कितना है सर? कैपिटल 500 है। क्यों? क्योंकि शॉप के पैसे क्या इसने खुद अपनी जेब से पे किए हैं, अपने घर से पे किए हैं, खुद लेकर आया था? नो सर।
तो जो कैश ये लेकर आया था वो क्योंकि घर से लेकर आया था, इसका कैपिटल क्या लगेगा 500। कैपिटल क्या है, वो पैसे जो इसके घर से आए हैं, वो पैसे जो ये खुद लेकर आया है बिजनेस में, वो कैपिटल है 500 का। और 1500 की लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी क्यों सर? बिकॉज इसने जो शॉप ली है वो शॉप इसने लोन पर ली है, जो इसने शॉप एक्वायर करी है वो शॉप इसने लोन पर एक्वायर करी है, उधार लेकर एक्वायर करी है, जिसको हम लायबिलिटी कहते हैं। तो अगेन आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस करेगा। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हो तो अब यहां पर 500 और 1500 2000 है, इज इक्वल्स टू 500 का कैपिटल और 1500 की लायबिलिटीज, ये भी कितना है 2000 है। ठीक है, तो जनाब अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस करता है और यहां पर भी बैलेंस कर रहा है। एसेट्स जो है वो टोटल 2000 के हैं, कुछ कैश है, कुछ शॉप, और कैपिटल जो है वो 500 है, और लायबिलिटीज जो है ना वो 1500 है, यानी कि 500 1500 दोनों को ऐड करते हो तो 2000। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। अब भाई ये काम करेगा तो काम करने के बीच जो है वो जाहिर सी बात है, इसने एक दुकान ले ली, इसने कुछ घर से पैसे लेकर आया था वो इसने रख दिए। अब लेट्स से इसको डिलीवरी के लिए फूड का बिजनेस करेगा, ये कोई रेस्टोरेंट खोलेगा, रेस्टोरेंट खोलने के लिए इसको कोई वैन वगैरह की जरूरत होगी, वैन की जरूरत होगी, मतलब कि ये या बाइक की जरूरत होगी जिसमें ये जो है ना वो खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए। तो अब तीसरा काम क्या करना है, इसने वैन खरीदनी है। अब वैन खरीदने के लिए क्या होगा सर, वैन खरीदने के लिए देख लेते क्या होगा। लेट से एक और सेंटेंस हमारे पास है, मिस्टर आसिम, या बाइक खरीद ली इसने, मिस्टर आसिम बॉट अ वैन या बाइक, चलो बाइक कर लेते हैं क्योंकि डिलीवरी जनरली बाइक पे होती है तो बाइक ज्यादा बेहतर वर्ड है। मिस्टर आसिम बॉट अ बाइक फॉर $200। मिस्टर आसिम बॉट अ बाइक फॉर $200 ऑन कैश बेसिस। मिस्टर आसिम ने एक बाइक खरीदी, $200 की बाइक खरीदी, और वो बाइक उसने कैश बेसिस पर खरीदी। कैश बेसिस पर खरीदने का मतलब ये है कि ये गया बाइक की मार्केट, $200 इसने एक हाथ से पे करे और दूसरे हाथ से उसने बाइक ले ली। टू में और थ्री में फर्क है। टू में क्या था, इसने शॉप खरीदी थी, लेकिन शॉप कैसे खरीदी थी, लोन बेसिस पर, उधार लेकर। थ्री में क्या है, बाइक खरीदी, कैसे खरीदी, कैश बेसिस पर, यानी कि पैसा पे कर, कैश पे कर। तो जनाब अब हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कैसा लगेगा ये देखते हैं। हमें ये मालूम है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब बिजनेस में तीन तरह के एसेट्स हैं, कैश है। अब बिजनेस में तीन तरह के एसेट्स हैं, कैश है, बिजनेस में शॉप है, और बिजनेस में बाइक भी है। तीन चीजें हैं ना, बाइक भी तो खरीद ली, तो अब बिजनेस में तीन चीजें हो गई, कुछ कैश है, कुछ शॉप है, कुछ बाइक है। ठीक है। अच्छा, अब कैश कितना है देखो जरा गौर से सुनना। जो पहले कैश था ना वो था 500। पहले कितना कैश था मेरे पास, 500। 500 रुपए मेरे पास पड़े हुए थे। अब जनाब इसने लिखा है कि $200 की हमने बाइक खरीद ली, तो जब मैं $200 की बाइक खरीदूंगा ऑन कैश बेसिस, कैश पे कर, तो जब आपके पास $500 है और आपने $200 की एक चीज खरीद ली, तो उसको खरीदने के बाद अब आपके पास $500 कैश पड़ा होगा क्या? नहीं, कम हो जाएगा। $500 जरूर था, लेकिन अगर आपने $200 पे कर दिया, अगर आपने $200 की पेमेंट कर दी, तो अब आपके पास $300 बचने चाहिए। आपके पास $500 थे,
आपके पास 500 रुपए या 500 डॉलर्स मौजूद थे, लेकिन आपने बाइक खरीदने के लिए पैसा पे किया। हाँ, पैसा पे किया तो कैश कम होगा ना, आपके पास 500 था उसमें से 200 कम हुआ, 300 बच गया। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 300, कैश 300 बच गया, ठीक है। अच्छा, शॉप में कोई चेंज आया? नहीं, शॉप में कोई चेंज नहीं आया। शॉप कितने की थी? 1500। वो है हमारे पास? हाँ बिल्कुल है। और बिजनेस में एक नई चीज आ गई, वो नई चीज क्या आई? वो नई चीज आ गई बाइक, कितने की? 200। तो टोटल कितना बना वापस से? 2000। बाइक के आने की वजह से टोटल चेंज नहीं हुआ सर? बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक एसेट कम हुआ, कैश जो है वो कम हुआ। कितने से? 500 था, 200 पे चला, 300 पे चला गया, कितने से कम हुआ? 200 से कम हुआ। एक एसेट कितने से कम हुआ? 200 से कम हुआ। और दूसरा एसेट कितने से ज्यादा हो गया? ठीक 200 से ही ज्यादा हो गया। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप एक एसेट देते हो और दूसरा एसेट एक्वायर करते हो, लेते हो, खरीदते हो, तो एक एसेट कम हो जाता है, दूसरा एसेट बढ़ जाता है, तो टोटल पे कोई चेंज नहीं आता। बाइक के आने से टोटल चेंज नहीं हुआ। पहले भी ये 2000 का ही टोटल था, आज भी ये टोटल 2000 का ही है, ये टोटल चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। एसेट्स में तीन एसेट्स हैं, कैश है, शॉप है, बाइक है। कैश, शॉप, बाइक का जो टोटल है वो 2000 है। इस ट्रांजेक्शन से पहले, इस नंबर 3 से पहले भी 2000 ही था टोटल, और इस नंबर 3 के बाद भी 2000 ही है टोटल। बिकॉज आपने जो बाइक परचेज करी है उसको परचेज करने का क्या तरीका रखा? आपने एक एसेट कम करा, एक एसेट उसको दे दिया, यानी कि कैश जो 500 था उसमें से 200 बाइक वाले को दे दिए और 200 की ही बाइक ले ली। इज इक्वल्स टू, अच्छा जो बिजनेस चल रहा है उसमें कोई नया पैसा ओनर अपनी जेब से लेकर आया इस 3 में? नहीं, कोई नया पैसा नहीं लेकर आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कैपिटल है वो कितना है? कैपिटल 500, ठीक है ना। यानी कि बिजनेस में जो भी पैसे हैं उसमें से 500 रुपए किसके हैं? अपने ओनर के अपने। और बाकी 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 लायबिलिटी है, लोन लिया हुआ है। याद है ना किसी से हमने लोन लिया? कितने का लोन लिया? 1500 का लोन लिया हुआ है। वो जब हमने शॉप खरीदी थी ना तब हमने लोन लिया था ना, तो हमने 1500 का लोन लिया था, ठीक है। एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। अच्छा, अब लेट से हम ये कह देते हैं कि जो 1500 का हमने शॉप लेने के लिए लोन लिया था ना, बैंक से लिया था, और बैंक से ये बात करी थी कि हम आपको 100 पे करेंगे एवरी मंथ, हर महीने के आखिर में जो है ना हम आपको 100 पे कर देंगे। क्या बात हुई? बात ये हुई थी कि भाई 1500 का हमें उधार दे दो, हमें एक शॉप खरीदनी है, और बैंक से ये बात हुई थी कि यार हर महीने के आखिरी दिन मैं आऊंगा और आपको $100 वापस कर दूंगा। लेट से अब हम ये कहते हैं कि भाई ये बिजनेस का सेटअप लगा रहा था, इसने शॉप खरीदी, इसने बाइक खरीदी, अभी ये बिजनेस देख रहा है, एक महीना गुजर गया तो बैंक वाला क्या बोलेगा? बोलेगा यार पहली किस्त वापस करो। तो मैं लिखता हूं मिस्टर आसिम पेड फर्स्ट बैंक इंस्टॉलमेंट, मिस्टर आसिम पेड फर्स्ट बैंक इंस्टॉलमेंट $100 टू द बैंक इन कैश फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। मिस्टर आसिम जो है उसने पहली किस्त वापस कर दी $100 की बैंक को लोन की रीपेमेंट के लिए। लोन कितना था? लोन था 1500। बैंक से क्या बात हुई थी? हर महीने के आखिर में आऊंगा, 100 रुपए दे दूंगा, तो 15 महीनों में मेरा लोन पूरा हो जाएगा। पहला महीना गुजर गया। अब पहला महीना जब गुजर गया तो मिस्टर आसिम ने बैंक को कितने पे करने हैं? मिस्टर आसिम ने बैंक को $100 पे करना है। तो अब ये $100 पे करेगा। अगेन हम देखते हैं कि भाई हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कैसा होगा। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है ना। अब मेरे पास $300 बचे हुए थे। अगर मैं बैंक को उसके लोन में से $100 वापस कर देता हूं तो मेरे पास कितने बच जाएंगे? $200 बच जाएंगे।
$200 बच जाएंगे, समझ रहे हो बात को। $300 तुम्हारे हाथ में है, बैंक को तुमने ये कहा कि यार ये लो पहली किस्त $100 की, तो जब उसको $100 दे दिए तो अब तुम्हारे पास 200 बच गए। अच्छा बैंक से उधार टोटल कितना लिया हुआ था 1500, अब जब आप उसको एक किस्त वापस करोगे तो आपका उधार भी कम हो जाएगा, यानी कि बैंक बोलेगा अब तुमने ₹100 वापस कर दिए ना, तो अब बच गए कितने 1400। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे आएगा, वापस से हम यहां पर कैश लिखते हैं। अब कैश कितना है हमारे पास, 300 था, 100 पे कर दिया, 200 बच गया। इसके अलावा क्या है, शॉप है, शॉप की क्या वैल्यू है 1500, शॉप की वैल्यू कितनी है 1500 है ना। उसके अलावा क्या है, बाइक है, बाइक की क्या वैल्यू है 200, तो टोटल एसेट्स कितने के 1900 इज इक्वल्स टू कैपिटल, घर से कितने पैसे लेकर आया था जब धंधा शुरू किया, बिजनेस शुरू किया 500। लायबिलिटी कितनी है, क्या 1500 की है, थी 1500 की, लेकिन 0.4 हमें यह कहता है कि हमने ₹100 वापस कर दिए, ₹100 रीपे कर दिए, ₹100 वापस दे दिए बैंक को। जब पैसे वापस कर दिए तो अब बैंक ये कह रहे हैं कि 1500 नहीं, तुमने 100 वापस कर दिए ना, अब ₹1400 बकाया रह गए, बाकी रह गए, उधार तुम्हारा 1400 को रह गया। तो अगेन तुम अगर अकाउंटिंग इक्वेशन को देखते हो, वो बैलेंस होगा हमेशा, हमारे टोटल एसेट्स की वैल्यू 1900 है, तो अगर मैं कैपिटल और लायबिलिटीज की वैल्यू ऐड करूंगा वो भी कितनी बनेगी, वो भी 1900 बनेगी। हमेशा ये बात याद रखना, हमेशा ये बात याद रखना कि एसेट्स एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, हमेशा ये बात याद रखना कि एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर एसेट्स की वैल्यू 1900 आ रही है तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज की वैल्यू भी 1900 आएगी। इसी तरह से यहां पर अगर एसेट्स की वैल्यू 2000 आ रही है तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज की वैल्यू भी 2000 आएगी। इसी तरह से इससे पहले अगर यहां पर एसेट्स की वैल्यू 2000 आ रही है तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज की वैल्यू भी 2000 आएगी। इसी तरह से इससे पहले अगर एसेट्स की वैल्यू 500 आ रही है तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज की वैल्यू भी 500 आएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने जो इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया है अकाउंटिंग इक्वेशन का, जो पहला लेक्चर था, दूसरा लेक्चर भी इंशाल्लाह आप लोगों को विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलेगा। पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया ब्रीफली कि एसेट्स क्या है, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी क्या है, और हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी वो क्या है, वो कैसी होती है, क्या इक्वेशन होती है, ये सारे मामलात हमने यहाँ पर डिस्कस करे। और मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो लेक्चर को 2-3 बार देख कर अपने रजिस्टर में रेलिवेंट चीज़ों को कॉपी करें, उसको रिवाइज करें, उसको अच्छे से समझ लें, फिर अगले वीडियो लेक्चर पर आप मूव ऑन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।